गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करेंगे बेटा, लास्ट क्लास में हमने बात किया था डिस्काउंट पे। डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू नेचर नॉमिनल अकाउंट है, तो अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट को हम लोग ने डिवाइड किया था कितने टाइप्स में, दो टाइप्स में। वो दो टाइप्स हमारा कौन कौन था, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव था। आज हम लोग बात करेंगे बेटा, उसके बाद हमने बात किया था आपसे कि डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, डिस्काउंट को फिर से हमने दो पार्ट में बांटा था। वन इज ट्रेड डिस्काउंट, अनदर इज कैश डिस्काउंट। हमने ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आपके साथ डिस्कशन कर लिया बेटा, आज हम लोग बात करेंगे कैश डिस्काउंट के बारे में। आइए, कैश डिस्काउंट के बारे में बस इतना जान लीजिए, ये डिस्काउंट जो फैसिलिटी मिलती है ये ओनली कैश ट्रांजेक्शन पे, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। आप अगर ट्रांजेक्शन के समय या अकॉर्डिंग टू परचेजर और सेलर के बीच में जो डील हुआ है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप टाइमली पेमेंट कर देते हो, प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हो, तो सेलर के द्वारा परचेजर को एक एडिशनल बेनिफिट दी जाती है। उस एडिशनल बेनिफिट को डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कहते हैं। कैश डिस्काउंट की प्रेजेंटेशन हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अकॉर्डिंग टू नेचर करेंगे। अगर हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो क्रेडिट में, अगर हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो डेबिट में। तो ऐसे भी नेचर के लिए बता दिया कि जहां कैश वहां डिस्काउंट, अगर कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट देन डिस्काउंट भी क्रेडिट। आइए जरा हम लोग बात करेंगे कैश डिस्काउंट के बारे में, जरा ध्यान से समझेंगे आप। लिखेंगे सब साफ साफ। This discount is allowed to the customer for making quick payment. Cash discount is allowed only if the customer makes the payment within a fixed period. Discount is a nominal account and as such it is debited to a customer and credited when it is debited
when it is allowed to a customer and created when it is received. सबसे पहले हम लोग होलसेल वैल्यू निकाल लेंगे ट्रांजेक्शन में. रिटेल प्राइस माइनस रिटेल प्राइस इनटू रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट डिवाइड बाय 100. कैश डिस्काउंट होलसेल वैल्यू इंटू रेट ऑफ कैश डिस्काउंट डिवाइड बाई 100. एक्चुअल अमाउंट होलसेल वैल्यू माइनस कैश डिस्काउंट. साफ साफ इसको बेटा आप लोग लिखेंगे बेटा. आप अब चलेंगे इससे रिलेटेड एक एग्जांपल्स पे, जरा ध्यान से देखेंगे एग्जांपल से. गुड सोल्ड टू आलोक रुपीज 25,000 after less 20% trade discount and 5% cash discount for cash. सबसे पहले ये बताओ आप लोग कि ये जो ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन कैश है ट्रांजेक्शन आइदर की क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? कैश है सर. कैश कैश ट्रांजेक्शन है सबको ही? यस सर. यस सर. चलो अब बताओ कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन? क्रेडिट. क्रेडिट. क्रेडिट सर. कैश. कैश है बेटा. वाई बेटा मैंने अभी बताया तुमको कि कैश की कैश डिस्काउंट की जो फैसिलिटी है वो ओनली कैश ट्रांजेक्शन पे अवेलेबल है. क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल. आप देख रहे हो बेटा क्वेश्चन में कि यहाँ पे कैश डिस्काउंट है ना बेटा? हाँ या ना? हमने क्या डिलीट किया? हमने डिलीट किया फॉर कैश. ये फॉर कैश हो या ना हो, हमारे को क्या मिल रहा है यहाँ पे? कैश डिस्काउंट. तो कैश डिस्काउंट जिस क्वेश्चन में लग जाए, आप माइंड सेट कर लो कि ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन पे अवेलेबल है. दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन. ओके? यस सर. अब आओ. अब जरा हमने गुड्स बेचा आलोक को कैश में ना, तो आलोक की चर्चा करना बंद कर दे. गुड्स बेचा कैश में, आप किसको डेबिट कर रहे हो? आप कैश बताओ. गुड्स कम्स की गोज. गुड सर. कैश कम्स की गोज. कम्स. कैश कम्स देन डेबिट ना? यस सर. यस सर. बेटा कैश डिस्काउंट का रिकॉर्ड होगा, मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन कर दिया. तो मैंने ये भी आपको बताया था जहां कैश वहां डिस्काउंट. टू सेल्स अकाउंट. टू सेल्स अकाउंट. जरा ध्यान देंगे
कैलकुलेशंस पे। हम सबसे पहले निकालेंगे होलसेल वैल्यू, जिस गुड्स को खरीदे बेचे हैं उसकी वैल्यू है 25,000, उस पर डिस्काउंट है बेटा 20%। तो 25,000 इंटू 25,000 का 20%, 25,000 माइनस 5,000 देन 20,000। एनी डाउट? हाँ या ना? नो सर। नो सर। अब हम निकालेंगे बेटा कैश डिस्काउंट। इस 20,000 पे मेरे को कितना परसेंट कैश डिस्काउंट मिल रहा है? 5%। तो 5% डिस्काउंट का वैल्यू क्या होगा बेटा? 1,000 होगा। 1,000 हमने गुड्स बेचा 20,000 का। 20,000 में डिस्काउंट दिया बेटा कितना रुपए का? 1,000। तो हमारे पॉकेट में कितना पैसा आया बेटा? 19,000। कोई कंफ्यूजन है कि नहीं को? नो सर। आया ना? नो सर। नो सर। चलिए फटाफट इसको राइट डाउन करेंगे बेटा जल्दी। रिसीव्ड इन फुल आइदर फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सर मतलब क्या है यहां पे बेटा? यहां करा है अमाउंट पेड आइदर रिसीव इन फुल आइदर फाइनल सेटलमेंट। मतलब मान लो एज्यूम कर आपका किसी बंदे के साथ ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, खरीद बिक्री चल रही है, लेन देन पैसा का चल रहा है। अब कह रहे हो कि भाई हिसाब किताब सही कर लो, अब खत्म करो ट्रांजेक्शन, अब लेन देन आपसे खत्म करना या पैसा लो कहानी खत्म। मतलब फाइनल सेटलमेंट जिस डेट में ये फाइनल सेटलमेंट टर्म इंक्लूड कर देते हो अपने स्टेटमेंट में, उस डेट में आपको निकालना होगा कि एक्चुअल में सामने वाले पार्टी को हमें क्या अमाउंट पे करना था और हमने किया क्या, ये ध्यान देना होगा। तो मतलब सर जी नहीं समझे, एज्यूम कर हम इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको देने जा रहे हैं, जरा ध्यान से समझेंगे आप। घटना 2019 मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल की घटना है बेटा, अप्रैल 25 की घटना है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कैश पेड टू विपुल रुपीज 38,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे आप। कैश पेड टू पीस 38,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमने विपुल नाम के बंदा को कैश पे किया 38,800 इन फाइनल सेटलमेंट। हम विपुल को कैश क्यों पे करेंगे? उससे खरीदे होंगे तब पे करेंगे कि बेचे होंगे तब पे करेंगे? उससे खरीदे होंगे तब। खरीदे होंगे तब। खरीदे कब खरीदे होंगे? अप्रैल 25 के बाद की अप्रैल 25 के पहले? अप्रैल 25 के पहले। तो पहले के ट्रांजेक्शन में देखना होगा ना सर? आप फिर से रिपीट कर सकते हैं प्लीज? जरूर बेटा। यहाँ कह रहा है कि कैश पेड टू विपुल रुपीज 38,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमने कैश पे किया विपुल नाम के बंदा को फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट।
तो हम जब कैश पे कर रहे हैं आज, तो तुम्हें ये देखना होगा कि विपुल को हम कैश क्यों पे करेंगे। विपुल से खरीदे होंगे तब कि बेचे होंगे तब? खरीदे होंगे तब। खरीदे होंगे तब। तो कब खरीदे होंगे? अप्रैल 25 के बाद कि पहले? पहले। पहले। तो पहले के ट्रांजैक्शन में देखना होगा ना मेरे को? यस सर। यस सर। एज्यूम कर तुम्हारे पास अप्रैल 8 की एक घटना है। जाएगा जरूर। गुड्स परचेज फ्रॉम विपुल रुपीज 3000 आफ्टर लेस 20% डिस्काउंट। और एक और घटना है बेटा 15 तारीख का विपुल से रिलेटेड क्वेश्चन में। गुड्स रिटर्न टू विपुल रुपीज 10,000। मतलब विपुल को जो हम आज पेमेंट कर रहे हैं उससे पहले विपुल से रिलेटेड कितनी घटना है? दो सर। दो। तो जिस डेट में तुम पेमेंट कर रहे हो यानी अप्रैल 25, तुम्हें निकालना पड़ेगा एक्चुअल पेबल अमाउंट टू विपुल। विपुल को एक्चुअल में कितना रुपया पे करना था ये तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? तो हमने विपुल से परचेज किया था ना बाबू? यस सर। तो हमने विपुल से परचेज कितना रुपया का किया था? 60,000। कितना परसेंट डिस्काउंट? 20%। तो 60,000 में 20% डिडक्ट करो। 60,000 में 20% आप डिडक्ट करो, क्या अमाउंट आएगा? 48,000। मतलब तुम्हारा परचेज प्राइस जिसका होलसेल वैल्यू कितना रुपए निकल गया बेटा? 48,000 में आपने कुछ रिटर्न भी किया ना? यस सर, 10,000। रिटर्न कितना का किया? 10,000। तो 10,000 का होलसेल वैल्यू निकालो आप। रिटर्न का होलसेल वैल्यू कितना? 10,000 का कितना परसेंट? 8,000 आएगा सर। वेरी गुड। तो जरा ध्यान से देखो, आपको एक्चुअल में कितना रुपया पे करना है पीपल को? 40,000। एक्चुअल पेएबल अमाउंट निकल गया बेटा। यस सर। यस सर। अब हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। चूंकि हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन में ये टर्म इंक्लूड हो जाए फुल सेटलमेंट, जिस भी ट्रांजेक्शन में समझ लो वहां पे डिस्काउंट मिसिंग है, और डिस्काउंट के अमाउंट को तुम्हें कैलकुलेट करके निकालना है। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट सर कैसे निकलेगा बताइए जरा बाबू। एक्चुअल पेबल अमाउंट तुम्हारा कितना रुपया बेटा? 40,000 लेस अमाउंट पेड इन फाइनल सेटलमेंट। तुम फाइनल सेटलमेंट पे कितना रुपया पे कर रहे हो? 38,800। कितने रुपए का डिफरेंस हो गया बेटा? 1,200। तो ये निकल गया बेटा क्या सर? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। हाँ या ना? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। नो सर।
तो हम एक्चुअल में ये अप्रैल 25 का रिकॉर्ड क्या करेंगे, ये अप्रैल 25 के ट्रांजेक्शंस के लिए कैलकुलेशन करना पड़ा। तो अप्रैल 25 की ट्रांजेक्शन अब रिकॉर्ड करो, हम कैश पे कर रहे हैं किसको? विपुल को। विपुल को। विपुल को। तो विपुल इज द रिसीवर। यस सर। यस सर। डेबिट मेरे पॉकेट से कैश जा रहा है ना बेटा? यस सर। Yes, और जहां कैश वहां डिस्काउंट। बाबू विपुल को एक्चुअल कितना रुपया पे करना था? 40,000। 40,000 में हमने उनको दिया कितना? 38,800। डिस्काउंट कितना निकल गया बेटा? 12,200। समझ में आया हाँ या ना? यस यस। मतलब ये दोनों ट्रांजेक्शन तो हमने सीख लिया ना बाबू? यस यस सर। हम सीखना क्या था? ये टर्म हमने सीखा कि नहीं सीखा? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। राइट डाउन करेंगे? यस ओके। चलिए एक फुल सेटलमेंट में एक और एग्जांपल ले रहे हैं, थोड़ी भाषा चेंज है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल After 5% cash discount in full settlement, हमने राहुल नाम के व्यक्ति से कैश रिसीव किया 5% डिस्काउंट पे। इसके पहले हमारा अमाउंट दिया हुआ रहता था, यहाँ पे बेटा अमाउंट नहीं दिया हुआ, वैल्यू नहीं है। यहाँ सिंपल करा है कि हमने कैश रिसीव किया राहुल से 5% कैश डिस्काउंट इन फुल सेटलमेंट। हम बताओ यहाँ पे राहुल से कैश क्यों रिसीव करोगे? उससे खरीदोगे तब कि बेचोगे तब? बेचेंगे तब। आइए अप्रैल 8 को तुम उसको बेचे हो बेटा, गुड सोल्ड टू राहुल फॉर रुपीज 25,000 आफ्टर 10% डिस्काउंट। गुड्स रिटर्न बाय राहुल फॉर रुपीज 5,000। यही क्वेश्चन, सब चीज निकालने का तरीका वही है बेटा, कोई नया तरीका हम आपको नहीं बता रहे। अमाउंट यहां पे रिसीवेबल हो जाएगा फ्रॉम राहुल। हम राहुल को 25,000 का सामान बेचा था 10% डिस्काउंट पे, मीन्स 22,500 का होलसेल वैल्यू होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। 5,000 का रिटर्न किया, 10% घटा दोगे बेटा तो 4,500 मीन्स उससे कितना लेना बाकी हो गया? 18,000। यस सर 18,000। अब बेटा यहाँ 18,000 बेटा पे करना, रिसीव करना है, रिसीवेबल अमाउंट सेल प्राइस यहाँ हो गया रिसीवेबल अमाउंट। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हम इस पे बात करेंगे बेटा। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिसीव किए हैं आफ्टर लेस 5% डिस्काउंट, यहाँ बेटा 5% डिस्काउंट दिया हुआ है बेटा। रेट ऑफ डिस्काउंट कितना परसेंट? 5%। देना कितना था? 18,000 का 5% घटा दो 900, 17,100 निकल गया। एंट्री क्या कर लेंगे हम लोग? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। राहुल अकाउंट, राहुल से रिसीव करना था बेटा 18,900 डिस्काउंट 17,100। कोई कंफ्यूजन?
नो सर भाषा चेंज है ना सिर्फ भाषा चेंज है ना हमने भी पढ़ा कैश डिस्काउंट के बारे में आप लोग ये होमवर्क है आपके सामने जो स्क्रीन पर है बनाइएगा इसे क्वेश्चन नंबर 13 आप बनाएंगे 13 इलस्ट्रेशन सी एंड क्वेश्चन नंबर 13 देन आफ्टर आपको बनाना है बेटा क्वेश्चन नंबर 15 ऑलरेडी हम बना चुके आपके साथ और क्वेश्चन नंबर 17 ये आपका होमवर्क है आज का मेनली लेक्चर था डिस्काउंट के ऊपर हमने बात किया था डिस्काउंट पे लास्ट क्लास में से ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आज हमने बात किया कैश डिस्काउंट और फाइनल सेटलमेंट इससे पहले चूंकि ट्रांजेक्शन में कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है कैलकुलेशंस टॉपिक है ये इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना होगा आज का यही इतना ही बेटा सभी को गुड नाइट जय श्री राम जय श्री राम जय महादेव